स्वागत है आपका मेरे चैनल कुदरत कनेक्शन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आज मैं आपका कनेक्शन करवाऊँगी गुड़हल के फूल से। ये एक नॉलेज बेस्ड वीडियो है दोस्तों, क्योंकि गुड़हल का प्रयोग बहुत सदियों से हमारे आयुर्वेद में कई बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि गुड़हल को हम अलग अलग भाषा में किस नाम से जानते हैं। दोस्तों, ऐसे भी आपने गुड़हल को आसपास देखा होगा, इसका प्रयोग पूजा में भी किया जाता है और वो इसके पत्तियाँ, इसके फूल, इसकी कलियाँ, इसकी जड़, हर चीज़ किसी न किसी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते। पहले इसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस और ये मालवेसी कुल से है। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको हिंदी में जवा, ओड़ुल, अड़ोल, गुड़हल, जवा कुसुम, अड़ोल बोलते हैं और इंग्लिश में इसे शू फ्लावर, रोज़ मेलो और रोज़ ऑफ चाइना, चाइना रोज़, इन सब नामों से जानते हैं। इसको संस्कृत में जपा, अरुण, प्रतिका, अर्कप्रिया बोलते हैं। ओरैया में इसे मोंदारो, ओड़ो फूलो भी बोलते हैं। कन्नड़ में दास डिगे, गुजराती में जासुद या जासुवा, तेलुगु में दासिनी और दास नमू भी बोलते हैं। तमिल में सेम्बा रुट्टी या सेवा रुट्टी, बंगाली में ओरू जुबा, नेपाली में जपा कुसुम, मराठी में जासवंद या जासवंदी, मलयालम में चेम्पा रट्टी, अरेबिक में अंगारे, पर्सियन में अंगारे हिंदी। तो ये है इसके अलग अलग भाषाओं में नाम। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।